जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ओम चो में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान की कृपा आप कैसे पा सकते हैं। और उससे पहले एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबाएँ और हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप पाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, कई सारे जातक पूछते हैं कि हम पर भगवान की कृपा है ही नहीं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन हम पर भगवान की कृपा है ही नहीं। तो भगवान की कृपा यदि आप पर देखिए है या नहीं है, वो विषय बहुत अलग है, हम उस पर कभी और बात करेंगे। पर हम आज बात करने वाले हैं कि भगवान की कृपा आप कैसे पा सकते हैं। पहली बात, हर व्यक्ति पर, इस प्राणी पर, इस संसार के हर एक व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है। क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के आप यकीन मत मानिएगा या यकीन मानिएगा इस बात को लेकर, दोनों आपके लिए हो सकता है कि यहाँ जो भी घटित हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से घटित हो रहा है। हम केवल उसके मोहरे हैं, चलाने वाला वो है और रास्ता दिखाने वाला वो है, सब कुछ हम हैं। पर दूसरी बात है, हम थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ा सा वैज्ञानिक तार्किक चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं और वो होना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसको ही सर्वत्र मान लेना ये चुनौती दे जाता है हमारे ईश्वर की कृपा के ऊपर। एक और कई प्रश्न आपके उठते होंगे ईश्वर के ऊपर, कई सारी बातें उठती हैं। तो जो अंतरात्मा जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा शक वाली श्रद्धा होती है। ईश्वर पर यकीन है लेकिन यकीन के साथ संशय भी है और शक भी है। तो पहली बात है कि श्रद्धा में कभी शक नहीं होता दोस्तों, श्रद्धा अखंड होती है, श्रद्धा का न तो कोई छोर होता है। इसलिए आप अपने ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखें, कृपा के लिए पहला और मुख्य भाव होगा। देखिए, श्रद्धा एक भाव है, एक रस है। आप जैसे ही मन में श्रद्धा भाव होगा, आपके विचार बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे, पहली फायदा होगा। दूसरी बात है, आपके साथ यदि कुछ चीज़ें, सब कुछ अच्छा घट रहा है पर जो आपके मन में नेगेटिविटी जो है उसकी वजह से वो चीज़ सही नहीं लगती है, ये चीज़ें भी बंद हो जाएगा, आपको सब कुछ सही लगने लग जाएगा। तीसरी बात है, आप में झेलने की शक्ति नहीं, आप में स्वीकार करने की शक्ति आ जाएगी, आप में स्वीकार उक्ति आ जाएगी, आप हर चीज़ों को स्वीकार करना सीख जाएंगे। और जहाँ स्वीकार होगा ना दोस्तों, तब जाके आप को महसूस होगा, आप खुद में रहेंगे। और चौथी बात है कि हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, भागता ही रहता है, कभी ये हमारी छोटी छोटी चीज़ों से ऊब जाते हैं। तो अगर आप सच्ची श्रद्धा होगी, ईमानदारी से श्रद्धा होगी, तो कभी भी आप किसी चीज़ से ऊबेंगे नहीं। आप पर आप चाहे आप कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपके मन में ये होगा कि चाहे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर ज़रूर देख रहा है। और दोस्तों, ईश्वर का न्याय बहुत बहुत सटीक होता है और ईश्वर से डरना चाहिए, किसी से डरे या ना डरे पर ईश्वर से ज़रूर डरना चाहिए। अब बात मैं करना चाहता हूँ कि ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि ईश्वर की जो कृपा के पीछे जो बेसिक फंडे हैं वो ये पूरा आपको मैंने बता दिया सार। अब है दूसरी बात है, आप हमेशा सकारात्मक रहना है आपको। दूसरी बात है, आपको आस्थावादी श्रद्धावान रहना चाहिए और गीता का अध्ययन करना है। अब जब गीता का अध्ययन धीरे धीरे करेंगे ना दोस्तों, तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियों का हल आपको उसमें मिलेगा और आप जानेंगे कि ये जीवन का सच क्या है। गीता साक्षात ईश्वरी उपदेश है, उसे आप अध्ययन करें, उसे पढ़ें, तब आप पाएंगे कि ईश्वर की कृपा का वास्तविक अर्थ क्या होगा और ईश्वर की कृपा है क्या। तब आप महसूस करेंगे कि वाकई में हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। कमियां बहुत सी है, कमियों का यहाँ कोई छोर नहीं है, कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति को राजा बना दीजिए प्रजा का, तब भी उसे कमी अपनी किस्मत भाग्य में लगेगी, वो एक विषय ही अलग हो जाता है। तो हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उसमें संतोष होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और अपनी आस्था सही होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में बताएं दोस्तों कि मेरे जो विचार हैं कहाँ तक सही हैं, सच हैं, और ये जो मैंने आपसे बातें शेयर की आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताएं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और जय श्री महाकाल लिखें, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।